गुलबर्गा का किसान आज उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो वो फांसी डाल ले या सरकार को अपना जूता निकाल के खड़ा हो जाए। का मार्केट वैल्यू 45 से 70 लाख के बीच में है। वो ज़मीन 3-3 लाख रुपए एकड़ करके बाबा रामदेव को दी गई। अब उसको आखिरी लम्हा है, इलेक्शन हारने का टाइम आ चुका है। टाटा नैनो प्लांट सबको शायद याद होगा, नैनो कार जो आई थी, एक छोटी सी कार, वो कार आई भी और गायब भी हो गई। लेकिन वो कार की कंपनी बनाने के लिए जो ज़मीन दी गई, वो हज़ारों एकड़ ज़मीन आज एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में तब्दील हो गई। तो ये कॉरपोरेट कंपनीज की गुलामगिरी करने वाली जो ये सरकार बैठी हुई है, कॉरपोरेट कम्युनल क्रिमिनल नेक्सस सरकार जो है, ये अपने आखिरी लम्हे में है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। जन विरोधी, देश विरोधी बीजेपी सरकार के मुर्दाबाद। आज गुलबर्गा में, गुलबर्गा तालुका कर्नाटक प्रांत रईत संघ जो आज गुलबर्गा में एक एहतजाज रखा, जो गुलबर्गा सुपरमार्केट जनता बाजार से गुलबर्गा जेस्कॉम ऑफिस तक एक पदयात्रा, किसानों की पदयात्रा निकाली गई। ये जो आज का आंदोलन है या आज जो किसानों की ये मूवमेंट है, इसकी वजह है कर्नाटका के जो इस वक्त मौजूदा कानून जो पास हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किसान विरोधी कानून पास किए हैं, और साथ में जो इस वक्त ग्लोबल मीट के नाम पे जो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो कंपनियों को देने का काम कर रही है, जो बीजेपी गवर्नमेंट एज ए रियल इस्टेट एजेंट का काम करते हुए जिस तरीके से कंपनियों को यहाँ की ज़मीन देने का काम कर रही है, इसके ख़िलाफ़ आज किसान आंदोलन यहाँ पे करते हुए उसका एहतजाज कर रहे हैं। जैसे हम सबको पता है, हालिया में बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आवाम मुखालिफ और किसान मुखालिफ कवानीन को पास किया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, एपीएमसी एक्ट है, एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट है, लैंड रिफॉर्म एक्ट है, ये सारे कानून का मकसद जो है, ये एग्रीकल्चर लैंड को या बोलिए ज़मीनों को कॉरपोरेट कंपनियों को देने की एक नीति बनाकर काम करी हुई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी जो ग्लोबल मीट चल रही है, ग्लोबल मीट में होगा क्या कि हज़ारों एकड़ ज़मीन इस वक्त ये इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जाएगी। आपको मैं पिछला थोड़ा रिकॉर्ड बताता चलूं, आप चाहे अडानी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पतंजलि बाबा रामदेव का उठा के देख लीजिए, या अंबानी का उठा के देख लीजिए, या टाटा का उठा के देख लीजिए, ये कंपनियों को यही ग्लोबल मीट के नाम पर, इन्वेस्टर मीट के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन दी गई। जैसे कि एक आपको बता दूं, बाबा रामदेव के पास इस वक्त लगभग हर स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में 700 एकड़ दी गई, आसाम में 800 एकड़ दी गई, हरियाणा में 600 एकड़ दी गई, ये ज़मीन का कर क्या रहे हैं ये लोग। उसी तरीके से अदानी को 15 लाख एकड़ ज़मीन दी गई, ये ज़मीन का हो क्या रहा है। टाटा को इसी तरीके से, टाटा नैनो प्लांट सबको शायद याद होगा, नैनो कार जो आई थी, एक छोटी सी कार, वो कार आई भी और गायब भी हो गई। लेकिन वो कार की कंपनी बनाने के लिए जो ज़मीन दी गई, वो हज़ारों एकड़ ज़मीन आज एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में तब्दील हो गई। उसी तरीके से जो बाबा रामदेव को जो ज़मीन दी गई, वो कंपनियों के नाम पे जो दी गई, उसको जो है, जिसका मार्केट वैल्यू 45 से 70 लाख के बीच में है, वो ज़मीन 3-3 लाख रुपए एकड़ करके बाबा रामदेव को दी गई। उसी तरीके से अंबानी को, अदानी को जो लैंड दी गई गुजरात में, लगभग 15 लाख एकड़ के खरीफ की जो ज़मीन है, वो कौड़ियों के दाम पे दी गई, जो कि 2 रुपया या 3 रुपया के हिसाब से करके उसको ज़मीन दी गई। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये लैंड लेकर 5-6 साल उसको ऐसे ही छोड़ के वहाँ पे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन पॉलिसी क्या नाम पे बताई जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, रोज़गार मिलेगा। किसको रोज़गार दे रही है रियल इस्टेट? बीजेपी सरकार जो बनी हुई है, रियल इस्टेट एजेंट जो बनी हुई है, या रियल इस्टेट एजेंट गिरी करते हुए यहाँ पे किसानों की ज़मीन किसान कंपनियों के हवाले कर रही है। आज आपको बता दूं, इंडिया में जो खेती मजदूर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के पास नौकरी करते हैं,
जिन्हें हम लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स बोलते हैं, उनकी तादाद आज 6 करोड़ के ऊपर हो गई। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये लैंड के सही मानों में हकदार जो गवर्नमेंट लैंड दे रही है कौड़ियों के दाम पे कंपनीज को, ये ज़मीन के सही मानों में हकदार वो तबका है जो खेती मजदूर है, जिसमें अक्सर ये सबसे मेजॉरिटी तबका जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स का है ये दलित कम्युनिटी है, पिछड़े हैं। ये लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक देना ज़रूरी है। भूमि अधिकार आंदोलन जो है इसी का मकसद है कि दलित जो पिछड़े तबका है, दलित तबका है, जो खेती मजदूरी करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, जो कौड़ियों के दाम पे कंपनियों को रियल इस्टेट करने के लिए हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट, वो दलितों को दी जाए, पिछड़े तबके को दी जाए, खेती मजदूरी करने वाले लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स को दी जाए। इसी तरीके से जो नीतियाँ चली हुई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, अब पावर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट करने का मकसद ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किसानों को मीटर बिठाने का प्लान करी हुई है गवर्नमेंट। ये मीटर बिठाने से क्या होगा, हर महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल किसान अदा नहीं कर सकता। अब उसी तरीके से देखिए, जिस तरीके से अभी कर्नाटका में जो बारिश हुई, सबसे हाईएस्ट जो बारिश से फसल नुकसान हुई है वो गुलबर्गा में हुई है। तो गुलबर्गा का किसान आज, उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो वो फांसी डाल ले या सरकार को अपना जूता निकाल के खड़ा हो जाए। ये दो ही रास्ते रखी हुई है आज गवर्नमेंट। हम इसके लिए अपील करते हैं गवर्नमेंट से 25,000 पर एकड़ का मुआवजा कर गुलबर्गा के किसानों को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 से 12 लाख एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जो फर्दर जो पॉलिसी जिस तरीके से चल के लैंड गबन करने का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट, वो लैंड रिफॉर्म एक्ट, कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट का ये नतीजा है कि आज हज़ारों एकड़ ज़मीन, किसानों की ज़मीन बोलिए, जो एग्रीकल्चर करने की जो ज़मीन है वो कंपनियों को दी जा रही है। तो ये कॉरपोरेट कंपनीज की गुलामगिरी करने वाली जो ये सरकार बैठी हुई है, ये जो है ट्रिपल सी सरकार, कॉरपोरेट कम्युनल क्रिमिनल नेक्सस सरकार जो है, ये अपने आखिरी लम्हे में है। अब उसको आखिरी लम्हा है, अब इलेक्शन हारने का टाइम आ चुका है, तो जाते जाते जितना लूट सके वो लूट के जाने के लिए जो ये ग्लोबल पॉलिसी नीति लाकर, ग्लोबल इन्वेस्टर पॉलिसी जो कर्नाटका में कर रही है बीजेपी सरकार, ये देश को लूटने, स्टेट को लूटने, किसानों को लूटने, और सरकारी ज़मीन जो हकदार हैं खेती मजदूर उनको ना दे के कंपनियों को देने के लिए ये काम कर रही है। इसके लिए हम किसानों से भी आग्रह करते हैं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, अपना हक बचाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को रोके, लैंड रिफॉर्म एक्ट को रोके, एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट को रोके। अब देखिए हालिया में जो एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट हुआ पास करी है गवर्नमेंट, इसका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है किसानों को। बीफ एक्सपोर्ट तो कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन किसान अपना जानवर यहाँ मार्केट में नहीं बेच सकता है, लेकिन कंपनियों को बेच सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर आज जैसा बारिश में फसल तबाह हो गई किसानों की, ये किसानों की फसल तबाह होने के बाद, नुकसान होने के बाद, इनको एक सहारा हुआ करता था इनके जानवर, जो ये जानवर बेच के अपना कुछ गुजारा करते थे, आज उनको किसानों को अपने जानवर बेचने से भी रोका गया है, जिसमें डेयरी फार्मर है, गौली जो है दूध का कारोबार करने वाले किसान हैं, खेती मजदूर हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, ये जो ऐसे अपनी त्रासदी के टाइम पे, डिफ़िकल्टी के टाइम पे जो जानवर बेचकर अपना गुजारा कर सकते थे, आज वो अपना जानवर भी नहीं बेच सकते हैं। एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट का मकसद ये है कि किसानों को जानवर बेचने से रोका जाए और कंपनियों को जानवर दिया जाए, ताकि बीजेपी को चंदा देने वाले, डोनेशन देने वाले जो बीफ एक्सपोर्टर बैठे हैं, जो सालाना 3 लाख करोड़ के आसपास का कमाई कर रहे हैं गोश्त बेचकर इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ को, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम चल रहा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, ये किसान विरोधी है, जन विरोधी है, देश विरोधी है, कारोबारी विरोधी है, ये सीधा सीधा ये देश गद्दार सरकार है। इसके लिए हम ये कहते हैं ये सारी नीतियाँ वापस हो जाए, या तो जिस तरीके से अभी गुलबर्गा तालुका के डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में आंदोलन छिड़ा है, इसी तरीके से पूरे स्टेट में बीजेपी हुकूमत को नो आउट टू बीजेपी के ऐलान के साथ किसान आंदोलन करेंगे। थैंक यू। ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2022 ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕುಟ್ರ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಬದುಕು ಬೀದಿಪಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ರೈತರನ್ನು ಬದುಕು ಬೀದಿಪಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈತಪ್ಪಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನೀರಾವರಿ ರೈತರನ್ನು ಇವತ್ತು ಇದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀರಾವರಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ರೈತ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಈ ಮೂರನೇ ತಾಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರೈತ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 3 ಫೇಸ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು 6 ಗಂಟೆ, ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಫೇಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಗಲತ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಎಂಥದಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಕ್ಕ ಇವತ್ತು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಅದ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ 12 ಗಂಟೆ 3 ಫೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಡೇನೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತದಂದ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಸುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ 5-6 ದಿನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು 10 ದಿನ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಲಂಚ ರುಸ್ವತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇವತ್ತು ಮಣಿ ಹಾಸಿ ಕರಿಕತ್ತದ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬಾಳಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಡೆಗಣಿಸೋಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಾಗ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ವೈರಿಂಗ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜರೂರಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಏನು ಒಯ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಂದು ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಭೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೋತೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗೌರಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ.